नमस्कार दोस्तों, आज हम अभी हैं टीकमगढ़ में और ये चढ़ार पोल्ट्री फार्म है। और काम करें तो कुछ इस तरीके से करें कि आपके लोग और साथ में आपके क्षेत्र के लोग आपको सराहें। अशोक चढ़ार जी ने कुछ ऐसा ही काम किया है, ये जीते जागते उदाहरण है। आज से जब से मैं एक साल पहले इनके पास आया था तो एक छोटा सा फार्म इनके पास था, परंतु आज उसी फार्म में इन्होंने उसी फार्म से इन्होंने आज इसे 200 बर्ड की फार्म से लेकर आज 2000 बर्ड तक पहुंचाया है। आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं जो ये 1000 बर्ड लेकर आए हुए हैं और इनकी ब्रूडिंग कर रहे हैं, इनका पालन कर रहे हैं। तो जो छोटे चूजे होते हैं किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, इसके ऊपर की हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अशोक चढ़ार जी से और देखते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से आप अपने यहाँ पर अगर देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो बिल्कुल छोटे से स्तर पर भले करें, परंतु इस तरीके से काम करके आप भी लाभ कमा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अशोक चढ़ार जी से। तो नमस्कार सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है। क्या दिखाने वाले हैं सर आज आप? सर हमारे 1000 सोनाली का बच्चा है जो कि फार्म में है, ब्रीडिंग हो रही है उसकी। चलिए दिखाते हैं सर। चलिए उसको देखते हैं और फिर इन्हीं के बारे में जानकारी लेते हैं, है ना। बहुत छोटी सी जगह है ब्रूडिंग करने के लिए। कितने बाई कितने की जगह है ये थोड़ा सा मुझे बताइए आप जी। सर 9x9 9x20 की। हाँ 20 की, 20 इसकी ये जो है यहाँ से लंबाई हो जाएगी और पीछे की जो चौड़ाई थी वो 9 थी। जो पिछला वाला फार्म था वो यही था, है ना। हाँ जी सर, यही फार्म था। यही फार्म था, फिर इसके बाजू में आपने जो रखा हुआ उसमें बटेर पाली हुई है। फिर जो ये वाला मुर्गा जो तैयार होगा जो ब्रूडिंग होने के बाद, फिर आप इसे दूसरे फार्म पर लेके जाएंगे जहाँ पर इसे आप फ्री रेंज पे रखते हैं। तो जैसे ये कितने दिन का चूजा हो गया ये थोड़ा सा मुझे बताइए, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। सर चूजा 18 दिन का हो गया। अच्छा, रानीखेत 7वें दिन वैक्सीन इसकी कर दिए। अच्छा, और 14वें दिन गंबूरो कर दिए। अब एक वैक्सीन रह गई इसकी लसूटा। अच्छा, बूस्टर जो आप देंगे। हाँ, 2-3 दिन बाद इसको देंगे। अच्छा, तो इसमें कौन सी नस्ल आपने डाली हुई है ये थोड़ा सा बताइए मुझे। ये देसी से ही जुड़ा हुआ है, सोनाली ब्रीड बोलते हैं इसको, सोनाली। तो सोनाली का मार्केट क्या है आपके यहाँ पर? सर सोनाली का मार्केट हमारे यहाँ नहीं, कहीं भी मार्केट है उसका, मतलब सब जगह पर मार्केट है। ये देसी से मिलता जुलता है। देसी से मिलता जुलता है जी। लगभग कितना समय लगता है इस बर्ड को तैयार होने में? 90 से 105 दिन में हो जाएगा 1 kg। आपने करके देखा है? देखा है सर। तो जो आप काम करते हैं वो फ्री रेंज में काम करते हैं? जी जी। तो कितने दिनों के लिए इनको ऐसे रखते हैं और किस तरीके से इनका अभी पालन करते हैं ये थोड़ा सा समझाइए। देखिए 21 दिन तक इनकी ब्रीडिंग करेंगे। हाँ हाँ। 21 दिन बाद ये वाले बच्चे जाएंगे दूसरे फार्म में। अच्छा, फिर वो 20 दिन उस वाले फार्म में रहेंगे। हाँ हाँ। फिर वहाँ से बाहर निकलने लगेंगे 20 दिन बाद, तो 40-45 दिन के बाद बाहर निकलने लगते हैं। तब तक कितना वजन बना लेते होंगे 40-45 दिन तक में? वही 250-300 ग्राम के करीबन बना लेंगे। 250-300 ग्राम। और लगभग कितना दाना खा लेते हैं उस टाइम तक? उस टाइम तक लगभग दाना खा लेंगे वो, अंदाजन बताओ, जैसे 1000 बढ़े तो कितने कट्टी दाना लग जाएगा? अच्छा, 1000 बढ़े तो शुरुआत में तो छोटा ही खाते दाना, 1 हफ्ता छोटा खाएंगे दाना। एक हफ्ते के बाद खाने लगते हैं कम से कम 1000 बर्ड, 20 किलो दाना। अच्छा, तो मान लीजिए मोटा मोटी मान लीजिए 40 दिन तक तो अब वही जाएगा दाना कम से कम 10-15 कुंटल। 10-15 कुंटल तक जाएगा बिल्कुल। तो अशोक जी, जैसे ये जो बर्ड मुझे दिख रहे हैं, ये जैसे कोई लेना भी चाहता है, आप जैसे मंगाए थे, आप डेवन वोल्ड चिक्स लेकर आए थे। जी जी। तो आप जैसे मुझे बता रहे थे कि हर एक एज वाला जो बर्ड है वो आपके यहाँ पर मिल जाएगा जी। तो वो थोड़ा सा मुझे बताइए क्या क्या एज वाले बर्ड आप सेल करते हैं या तैयार करके ही सेल करते हैं, ये थोड़ा सा बताइए मुझे। देखिए सर, बंडे चिक्स से अंडा धन्ने तक वाली मुर्गियाँ मिल जाएंगी हमारे। अच्छा, कोई बंडे चिक्स बोलेगा 1-2 दिन का बच्चा तो वो भी दे देंगे। हाँ हाँ। और कोई बोलेगा कि भाई दिक्कत आती है हमको वैक्सीन करने में। हाँ। तो तीनों वैक्सीन वाला भी दे देंगे। अच्छा, और कोई बोलेगा कि 7 दिन ही का चीज़ चाहिए तो 7 दिन का दे देंगे। हाँ।
कोई बोलता है 15 दिन का चूजा चाहिए तो 15 दिन का दे देंगे, और कोई बोलेगा कि महीना भर का चूजा चाहिए तो महीने भर का दे देंगे। मतलब पूरा जिस भी हिसाब से, मैं तो चाहूँगा कि भाई वैक्सीन करके ही पूरे लें, या तो एक दिन वाला ले लें या फिर एक महीने वाला लें, ताकि वैक्सीन पूरी हो जाए उसकी, तो आप भी सुरक्षित हो जाएं और बर्ड भी सुरक्षित हो, क्योंकि शुरुआत में जब आपने भी काम शुरू किया था तो काफ़ी समस्याएं वैक्सीन से लेकर ब्रूडिंग से लेकर आती हैं। वो सबसे बड़ी समस्या है उसकी ब्रीडिंग, नया बंदा कोई जुड़ रहा है जैसे, तो ब्रीडिंग में दिक्कत हो जाती है, वहीं घाटा खा जाएगा बंदा, तो आगे कैसे बढ़ेगा। कितना टेम्परेचर आप मेंटेन करके रखते हैं, जैसे मैं अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहूँगा कि ये देखिए ये सारे बर्ड हैं, और वहाँ पर इन्होंने थर्मामीटर रखा हुआ है जिसमें 29-30 का जो टेम्परेचर है वो दिख रहा है। तो मुझे यही बताइए कि क्या टेम्परेचर मेंटेन करना होता है शुरुआत के समय पर, ये थोड़ा सा मुझे बताइए। देखिए एक सप्ताह तक तो कम से कम मान लीजिए 30 से 35 के बीच में होना चाहिए टेम्परेचर। अच्छा, एक सप्ताह तक, एक सप्ताह बाद 30 से 32 में टेम्परेचर। 15 दिन का हो गया ना, 15 दिन के बाद फिर उसके बाद 30 से 28 के बीच में रहेगा तो चल जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप दिखाइए थोड़ा सा कि क्या क्या आपने लगाया हुआ है, क्योंकि आपने कोई ब्रूडर वगैरह नहीं लगाया हुआ है, हीटर वगैरह भी नहीं लगाया है, और केवल ये आपने हैलोजन जिसे बोलते हैं और एक बल्ब लगाया हुआ है ना, तो मुझे इससे इतना पर्याप्त है इनके लिए, मुर्गियों के लिए? नहीं नहीं, अभी तो खेत दिए हैलोजन है, हम 8 हैलोजन लगाए थे इसमें पूरा। अच्छा, अभी 4 लगा है केवल। जैसे मान लीजिए शुरुआत में आया तो उतना तो टेम्परेचर मशीन रखा है उतना करना है, चाहे आप हैलोजन लगाओ चाहे जितने हैलोजन बढ़ाना चाहते हो बढ़ाओ, लेकिन उसका मशीन का सही करना है, मशीन में टेम्परेचर सही होना चाहिए, और चारों तरफ से आपने अभी इसे पैक करके रखा है। पैक है, चाहे आपकी 2 हैलोजन या 4 है ना, जैसे छोटे हैं, छोटे से जगह पर आप 100-200 का कर रहे हो तो 8 लगाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, 2 या 3 में ही काम हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, 2 में काम हो जाएगा। अभी 1000 बर्ड है ये पूरे फार्म पर घूमते हैं, तो ये इसलिए आपने इनको क्या कर दिया है, हैलोजन बढ़ा दिए ताकि जो बराबर इनको गर्मी है वो मिलती रहे। बहुत बढ़िया। तो क्या रेट का चूजा मिल जाएगा कोई अगर लेना चाहता है? आप रेट अलग अलग बताइए, जैसे आप बोल रहे थे कि भाई एक दिन का लेगा तो अलग है, एक महीने का लेगा, कोई तैयार बर्ड लेना चाहता है तो उसका क्या रेट रहेगा, ये थोड़ा सा बताइए मुझे। सर बनडे चेक से 1-2 दिन का बच्चा देते हैं सर 30 से 35 रुपये। 30 से 35 रुपये का आपका एक दिन का चूजा आता है? हाँ, 30 से 35 रुपये। और वो तो रेट बता रहे सर, ऊपर नीचे भी होता है, हर मौसम में ऊपर नीचे होता रहता है रेट। किसी हैचरी, जैसे हैचरी में रिजल्ट कम निकला या बच्चे नहीं मिले कहीं, या कुछ, तो महंगा भी हो सकता है और सस्ता भी हो सकता है, इसका कोई वो नहीं है, वो तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो मोटा मोटी मान लीजिए 30 से 35 है ना। और उसके बाद जैसे वैक्सीन करके देते हैं तो हमारा तो ये कि वो है ना आगे ना पीछे, एक दिन का चूजा ले रहे हैं आप तो 30 से 35 रुपये, और जितने दिन हमारे फार्म पे रुकेगा 21 दिन रुकेगा तो 21 × 42 रुपये, 2 रुपया चार्ज लेता हूँ मैं एक दिन का, सीधा 2 रुपया, क्योंकि 1.25 रुपये खाना खाता है वो, 1.25 रुपये का। और उसके बाद वैक्सीन दवा ववा मिला के अपना मेहनत मिला के 2 रुपये लेता हूँ सामने वाले से एक दिन। तो जैसे अगर 21 दिन आपके पास रहा जी तो 42 वो और 30 वो, हाँ, तो 70-72 रुपये जी एक महीने का। एक महीने, बहुत बढ़िया। मतलब ये सबके बजट में भी तो आ जाता है ना। हाँ हाँ, कि भाई उनको तैयार, अब केवल उनको क्या करना है कि खिलाना है अपने, खिलाना है बस, तैयार करना है, केवल ये करना है कि आगे बाकी सारा काम जो है वो आपने कर दिया है जी। बिल्कुल। और जैसे रेडी बर्ड है कोई लेना चाहता है तो वो क्या रेट रखते हैं आप? सर रेडी बर्ड जो 1 kg वजन हो जाएगा हमारा बर्ड का, उसका 300 से 350 के बीच में बिक जाता है आराम से। थोक में कोई लेना चाहे तो? थोक में सर उसका 300 है, 300 रुपये। बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आपको भी छोटे बर्ड चाहिए हैं, जैसे सोनाली है और बटेर इन्होंने पाली हुई है, कड़कनाथ है,
FFG कोयलर है तो बिल्कुल आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर मिल जाएगा और अधिक जानकारी के लिए आप इनसे बात कर सकते हैं, फार्म एक बार विजिट कर सकते हैं। तो और बिल्कुल बहुत अच्छी बात हो जाएगी, सामने बैठकर बात हो जाएगी, चीज़ें सीखने मिल जाएंगी। आप बिल्कुल नए हैं तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आप समझ नहीं पाएँ, तो वो जब सामने मिलेंगे बैठेंगे तो उससे भी आपको सीखने बहुत कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।